जीवन ही दुनिया से एक और कहानी, श्रेष्ठ दान। बच्चों, दान अनेक प्रकार के होते हैं, पर सबसे श्रेष्ठ है अन्नदान। किसी भूखे को भोजन कराना बड़े पुण्य का काम है, यह बात एक प्रसंग से अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। किसी देश में एक राजा था, वो बहुत दान पुण्य करता था, यज्ञ आदि भी करवाता था, पर सब दिन एक समान नहीं होते ना। पड़ोसी देश के राजा ने उस पर हमला कर दिया, वो हार गया। जान बचाकर रानी को भागना पड़ा रानी के साथ। जंगल में भूखे मरने की नौबत आ गई। एक कुटिया दिखाई दी, उसमें रहने वाले महात्मा जी ने इन दोनों का स्वागत किया, भोजन विश्राम का प्रबंध भी किया। दूसरे दिन महात्मा जी ने कहा राजा से, यहाँ से कुछ दूर एक नगरी है, वहाँ एक सेठ है जो पुण्यों को खरीदता है, तुम वहाँ जाओ और धन लेकर आओ। राजा ने रानी को वहीं छोड़ा और कुछ भोजन सामग्री लेकर रवाना हो गया। कुछ दूर जाने पर जब गर्मी तेज हो गई तो भूख प्यास से वो व्याकुल हो गया था। एक जगह कुआं देखकर वहीं रुक गया और भोजन निकालकर जैसे ही खाना चाहा, न जाने कहां से एक और यात्री आ गया। वो कहने लगा, बहुत भूख लगी है भाई, कुछ खाने को दो। राजा ने अपना सारा भोजन उसे दे दिया। पानी पीकर वो आगे बढ़ा, नगर सेठ तक पहुंचा। तब सेठ ने कहा, अपने सारे पुण्यों का लेखा जोखा लिखकर इस तराजू के पलड़े पर रख दो। राजा ने वैसा ही किया, पर वह पलड़ा भारी नहीं हुआ। सेठ ने फिर कहा, तुमने अपनी कमाई से तो दान किया नहीं, याद करो और कुछ पुण्य किया हो। राजा ने भूखे को भोजन कराने की बात लिखी तो पलड़ा इतना भारी हो गया कि सेठ का सारा धन मिल गया। उसी धन से फिर राजा का वैभव प्राप्त हो गया।